हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपने साइंस टू, जो ये साइंस टू है आपका क्लास टेंथ का, उसके चैप्टर नंबर टू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि देखो यार, स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्टडी सब करते हैं, रट्टा सब मारते हैं, रीड सब करते हैं, कॉन्सेप्ट सब समझते हैं, लेकिन यार क्या पढ़ के जाना है और कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है, तब जाके कहीं तुम 100% के लायक बनते हो और फिर इस तरीके से तुम आगे बढ़ते हो। तो जिसको करना है वो तो सब करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उन्हें छोड़ के नहीं जाना है, उन्हें पढ़ के जाना है। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको अच्छे से वॉच करनी है, लास्ट तक पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं चैप्टर नंबर टू पे, देखो यहाँ पे लेके आ गया, ये आपका चैप्टर नंबर टू है। तो चलिए शुरू करते हैं। खान एकेडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 9th और 10th का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 99 रुपीज में पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, चाहे तो वो हिंदी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो मराठी लैंग्वेज में हो। और सारे सब्जेक्ट लाइक यहाँ पे साइंस है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरे सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सब कुछ, पूरा सब्जेक्ट जस्ट आपको यहाँ पे 99 रुपीज में मिलने वाला है। इतना आपको गाइस कोई नहीं करता है, और आपको इंडिया के सबसे बेस्ट और टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने वाले हो, ठीक है। और सिर्फ पर मंथ 99 रुपीज पर मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, वहां पे 20-25,000 रुपीज पे करते हो और इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिल पाती है। सो आपको यहाँ पे जस्ट 99 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, एकदम बेस्ट के से बहुत ही बढ़िया कोर्स है गाइस यहां पे। तो अगर आप लोग को इसे ज्वाइन करना है तो जस्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म, और सर्च करने के बाद आपको उसे कर लेना है डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोगों को वहां पर रजिस्टर करने के लिए बोलेगा या फिर आपको मोबाइल नंबर से कुछ ना कुछ रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, तो आप रजिस्टर कर लोगे, लॉग इन आईडी बना लोगे, और उसके बाद आपको आना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाना है। गाइस, ज्वाइन होने के लिए आपको ये रेफरल कोड इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपको ये 99 रुपीज में सारा कोर्स पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो टोटल कोर्स है वो 2500 रुपए का है, लेकिन अगर आप ये रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे तो ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, सपोज समझ लो कि तोहफा है। आप इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको 99 रुपीज में सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए गाइस, आपको दिखाता हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करोगे तो किस तरीके से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे ही गाइस आप लोग लिंक में क्लिक करोगे, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है क्लास 10th की या फिर क्लास 9th की, तो आपके सामने ऐसा कुछ विंडो खुल जाएगा जो कि क्रैक महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड क्लास 10th विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको आना है गेट सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कि 1 मंथ के लिए 2500 रुपीज, 3 मंथ के लिए 6500, फिर ऐसे 6 मंथ, 12 मंथ, आप जितने मंथ का भी लेना चाहोगे। यहाँ पे सारी चीजें आपको बेस्ट तरीके से और बेस्ट एजुकेटर के साथ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट चीजें गाइस यहां पे, मतलब सारी चीजें लाइव क्विजेस है, बहुत सारे क्रैश कोर्सेस हैं, बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीजेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा एक साथ एक ही बैच में। तो अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2500 रुपए पे करना है, लेकिन जैसे ही गाइस आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज करोगे कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस आपको यूज करना है, न्यू इंडियन एरा आपको ऐसा इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोग इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे सीधा आपको फ्लैट 95% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और देखो आपको कोर्स हो जाएगा 99 रुपीज में, और आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे जैसे ही करोगे तो आपको तुरंत ही सारा का सारा लॉन्च हो जाएगा और लिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी सारी चीजें। आपको नोट्स वगैरह मस्त पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाया करेंगी, सब कुछ आपको घर बैठे आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आपको मालूम है ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस आपको मालूम है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पूरे साइंस 2 में सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, फिर चैप्टर नंबर 7, 8, ये 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, ठीक है। तो इन चैप्टर को जो छोड़ के जाएगा तो भाई उसके फिर 90 नहीं आ पाएंगे, ये तो फिक्स है, ये आप भी जानते हो और ये सब जानते हैं जिसको जिसने पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं फिर, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ से तो आज तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है और ना ही आएगा, जो आ सकता है जो लाइन और जो आ भी चुका है वो बताता हूँ। यहाँ देखो लिखा है 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है तुम्हें
पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। तो प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट करके रखो, ठीक है, 4 किलो कैलोरी है, ये बात ध्यान रखिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे जरा आ जाओ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अभी यहाँ पे जरा ध्यान से देखो और कौन सा पॉइंट आ सकता है। आपसे पूछेगा कि डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनरोबिक रेस्पिरेशन, तो कोई भी पूछेगा फॉर 2 मार्क्स। अगर एनरोबिक बोल रहा तो बोल देना ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, एरोबिक बोलेगा तो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, तो ऐसे आपको कह देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2-2 मार्क्स को या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, 2 मार्क्स को कोई भी एक आएगा। मैं किसी को प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सा आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन रीड। देखो अगर मैं आपको कसम से कहता हूं, आपने मेरी एक बार अगर वीडियो देख ली तो आप ना इसके अंदर का कोई भी टॉपिक पूछेंगे ना वो आप पक्का कर पाओगे, कसम से कहता हूं, बिलीव नहीं करोगे। मैं चैलेंज देता हूं तुम लोगों को, एक बार सिर्फ जाओ और जो मैंने न्यू वाली वीडियोस की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा नीचे क्लिक करोगे वहां पे आपको मिल जाएगी साइंस 2 के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें मैंने ऐसा फ्लो चार्ट दिया है, इतना डीप में ईच एंड एवरी पॉइंट समझा है कि रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज को आपको बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे याद कर लोगे। ऐसा फ्लो चार्ट दिया है ना कि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन बिना याद किए याद हो जाएगा, ये गारंटीड है, और फुल मार्क्स अचीव करोगे कसम से कहता हूं। तो प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में से कोई भी पॉइंट आएगा बता देना। इतना याद रखो कि NADH2 से 2 मॉलिक्यूल और FADH2 से 5 मॉलिक्यूल, मतलब ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल फ्रॉम FADH2, 3 मॉलिक्यूल फ्रॉम NADH2, तो ये लाइन याद रखो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डायग्राम फॉर 3 मार्क्स, ऐसा बोलेगा ड्रॉ द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे MCQ पॉइंट, NADH2 का फुल फॉर्म और FADH2 का फुल फॉर्म पूछ सकता है। व्हाट इज ATP ये पूछ सकता है, तो प्लीज ऑलवेज ध्यान रखना। ATP पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट दो, कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू ईच अदर, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट ऐसे, दीज मॉलिक्यूल आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर द नीड। अगला पॉइंट, केमिकली ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्मड फ्रॉम द एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो पहला पॉइंट इधर पे, दूसरा पॉइंट इधर पे और तीसरा पॉइंट इधर पे, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। चलो ये थोड़ा सा याद करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, याद करो मत करो, हाँ ये एग्जाम में आ चुका है। अब क्या बोलता है, ये पूरा चार्ट आपको दोनों में से कोई भी एक दे देगा। लिपिड के बाद फैटी एसिड, तो यहाँ पे खाली जगह छोड़ देगा, आपको फिल करना पड़ेगा। प्रोटीन की जगह में खाली जगह छोड़ देगा, आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। पायरुविक एसिड की जगह में छोड़ देगा, ऐसे कुछ छोड़ देगा और आपको कुछ फिल करना पड़ेगा। ये आता है 3 मार्क्स को, पिछले साल आया भी था, चाहे तो बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख सकती हो। सिमिलरली ये भी, इसको भी कर लेना, इस बार इसके आने के भी चांसेस लग रहे हैं। बाकी यहाँ से पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ना है मत पढ़ो। आगे आ जाओ यहाँ पे, चलो पहले एक और लाइन दिखाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो और चाहे प्रोटीन हो, दोनों से सेम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अब यहाँ पे जरा आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अमाइनो एसिड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ब्लड से कौन सा अमाइनो एसिड मिलता है, यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लड से हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, स्किन मेलनिन, केराटिन, थोड़ा सा ये रीड करके जाओ टेक्स्ट बुक। बोन्स में से ओसिन, सेल में वेरियस प्रोटीन्स, पैनक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड में हॉर्मोन्स, मसल्स में एक्टिन, मायोसिन, ये सब के सब मिलते हैं, सब अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ये ओसिन है, केराटिन, मेलानिन, सब के सब अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जितने भी है ना, इन वाले लास्ट में इन आ रहा है, सब अमाइनो एसिड है, इन्हीं से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये बात समझ के रखना। एग्जाम में हमेशा पूछता है व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो यहाँ छुप के बैठा है ये आपने पढ़ा भी होगा शायद कहीं ना कहीं। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जस्ट सिंपल से शब्द यही कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं। आगे आते एग्जाम में पूछता है कि द सब्सटेंसेस, एग्जैक्टली पूछेगा व्हाट इज लिपिड एंड हाउ मच किलो कैलोरी यू विल गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड, तो 9 किलो कैलोरी, ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना इस बात को। एंड व्हाट इज लिपिड, इट इज द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल, मतलब जो सब्सटेंस फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ फैटी एंड अल्कोहल, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, तो यही आपको लिख के आना है। बाकी विटामिन्स के बारे में इस बार आने के चांसेस 3 मार्क्स को है, पूछेगा व्हाट इज विटामिन्स
एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिंस, तो बता देना कि दो टाइप के विटामिन है, एक फैट सॉल्युबल है और एक वाटर सॉल्युबल विटामिंस है, दो टाइप के विटामिंस होते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो बाकी यहां से आपको कुछ पढ़ना है मत पढ़ो। हाँ अब आ जाओ सेल डिवीजन, यहां पे पूछ सकते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन यहां से बता देना, ये डेफिनेशन यहां तक लिख देना, उसके बाद आपको पूछ, देखो मैंने सेल डिवीजन ऐसा पढ़ाया है ना, पूरा माइटोसिस मियोसिस ऐसा पढ़ा दिया ना, कसम से कहता हूं तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, एक बार बस जाकर देख लो, आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 30 मिनट का ही वीडियो है, सिर्फ एक बार देखोगे वैसी स्टडी आपने 15,000-10,000 रुपए भर के भी पढ़े रहोगे ना, आपको नहीं मिलेगी, एक बार जाके सिर्फ देख लो, एक बार नीचे न्यू इंडियन एरा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है साइंस 2 और साइंस 1 दोनों की, एक बार जाओ और इस चैप्टर के सेल डिवीजन वाले टॉपिक को पढ़ के देखो, फिर देखना तुमको कितना अच्छा लगेगा। अब बोलोगे हमने फोकट का फीस भरा और ये सब कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोसिस ऑकर्स इन सोमेटिक सेल, सब बता रखा है, स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर इज मियोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल, ईच एंड एवरीथिंग बता रखा है, याद करवा दिया मैंने, याद करवा दिया, तो ये सब कुछ पूछेगा ना वहीं पे आंसर बता दोगे। माइटोसिस के अंदर अगर कुछ भी बोलेगा तो व्हाट इज कार्योकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, सब बताया है मैंने, सब बताया है, ये प्रोफेस अंदर के मैंने डायग्राम, ये सब कुछ भी बकवास डायग्राम दिया है, अंदर मैंने खुद के न्यू डायग्राम बना के ईच एंड एवरी मेटाफेज टेलोफेज सबको समझाया मैंने, व्हाट इज स्पिंडल फाइबर, किस तरीके से कैसे डिवीजन न्यूक्लियस का, फिर पूरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन, टेलोफेज, ये सब कोई भी आएगा, आएगा तो 5 मार्क्स को आता है, तो इसमें से ये सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइटोसिस मियोसिस कोई भी पूछेगा। अब आएगा कैसे एग्जाम में, कोई बोले बोले डिस्क्राइब प्रोफेज, डिस्क्राइब मेटाफेज, डिस्क्राइब एनाफेज या फिर टीलोफेज बताओ, या फिर साइटोकाइनेसिस बोलोगे तो यहां से बताओगे, साइटोकाइनेसिस बोलेगा तो आपको यहां से लेके इतना पूरा समझाना पड़ेगा, ये पूरा यहां तक साइटोकाइनेसिस समझाना पड़ेगा, समझा अच्छे से, तो इस बात को आपको समझ के रखना है। फिर बोलेगा व्हाट इज कार्योकाइनेसिस, तो कार्योकाइनेसिस में ये पूरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब मैंने वहां पे पढ़ा रखा है, एक बार देख लो, ये कभी भूलेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं, बात माना करो थोड़ा सा मेरी, पिछले साल के करीबन 80-90 स्टूडेंट लोग का 90%+ गया था साइंस में, बोल रहा हूं तो बिलीव नहीं करते हो, इतना तुम्हारे भी आ जाएंगे, इससे भी ज्यादा ला सकते हो, तुम और एबल हो, एक बार वीडियोस जाके देख के तो देखो, फिर बिलीव होगा ना कि क्या क्वालिटी मिल रही तुम लोग को, ठीक है, कितने सारे टीचर्स देखते हैं हमारी वीडियोस को, एक बार जाके आप देख सकते हो, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। साइटोकाइनेसिस या तो अकेला पूछेगा तो फिर कार्योकाइनेसिस पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है इन बातों को, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, समझ गया ना अच्छे से, तो प्लीज इन पे अच्छे से जरा एक बार फोकस करोगे, फिर आप डेफिनेटली ना सक्सेस डेफिनेटली आप पा जाओगे, ठीक है, इस बातों को आपको थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, सभी के लिए पॉइंट बन जाता है, ओके, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो इसके एक्सरसाइज है उसको भी आपको एक बार कर लेना है अच्छे तरीके से, अगर आप एक्सरसाइज कर लेते तो भी आप अच्छा खासा मार्क्स निकाल लोगे, तो मिलेंगे ऐसे ही अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।